Hello my dear friends, I Pravin Dubey am here to teach you English, especially for TGT, PGT, LT, NET, GRF and higher education. And I welcome you all to RBS Classes, the Pariksha Guru. And right from today, you are going to have the serialized classes, and right from very beginning to the very last, you will have all the videos. But for that, you have to take admission, you have to come in the channel, you have to go through the process. But a few videos you can have free of cost, but you can have serialized classes. In order to get all the notifications, in order to get all the videos, in order to get all the free of cost videos, you must watch, like, subscribe and share this channel, and don't forget pressing bell icons if still you have not gone through yet, if you have not gone through. So in the section of literature for TGT and PGT, Uttar Pradesh Madhyamik Shiksha Seva Chayan Board, today I have brought for you, and that is a very important topic, that is just the commencement of the serialized videos, serialized episodes. The first one you are going to have today, and the very first thing that I will be teaching you is literary form, trends and movements. When I discuss the syllabus, जब मैंने syllabus discuss किया था तो मैंने आपको बताया था कि literature section में एक section होता है जिसे हम कहते हैं लिटरेरी फॉर्म्स, ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स, ठीक है। ध्यान रहे कि लिटरेरी फॉर्म्स तो उतना ज़्यादा डिस्कशन नहीं हो पाएगा इस वाले टॉपिक में, द टॉपिक दैट आई एम गोइंग टू डील विद राइट फ्रॉम टुडे, उसमें बहुत ज़्यादा तो नहीं डिस्कस हो पाएगा, लेकिन ट्रेंड्स एंड मूवमेंट्स आप देखने का प्रयास ज़्यादा करिएगा। लिटरेरी फॉर्म्स दैट विल डिस्कस सेपरेटली, उसको हम सेपरेटली डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो कुल मिला के जो टॉपिक मैं शुरू करने जा रहा हूं, जिसके सीरियलाइज्ड वीडियोज आपको मिलेंगे, उस टॉपिक का नाम आप ऐसे समझ लीजिए कि है हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। ये है टॉपिक जिसको हम सीरियलाइज्ड फॉर्म में बनाएंगे, और इसी के तहत ये टॉपिक आपको आपके सिलेबस में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि वहाँ हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर को कई तरीके से उन्होंने डिफरेंट सेगमेंट्स में दे दिया है। जैसे कि उन्होंने इसको क्या कह दिया, लिटरेरी फॉर्म, लिटरेरी ट्रेंड्स, लिटरेरी मूवमेंट्स। तो हिस्ट्री का मतलब होता है इतिहास। हम इतिहास की बात नहीं करने जा रहे हैं, ध्यान रहे कि हम इतिहास की बात नहीं करने जा रहे हैं, हम बात करने जा रहे हैं अंग्रेजी साहित्य के इतिहास की, ठीक है। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अंग्रेजी है वो शुरू हुई एंग्लो सैक्सन पीरियड में, जिसे हम ओल्ड इंग्लिश पीरियड भी कहते हैं, एंग्लो सैक्सन, जिसके ऊपर ऑलरेडी मैंने एक वीडियो बना दिया और आप तक वो डिलीवर हो भी गया है, आपने उसे देखा भी होगा। अगर आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड के बैकग्राउंड को समझना है, एंग्लो सैक्सन पीरियड को समझना है, एंग्लो सैक्सन पीरियड के लिटरेचर को समझना है, तो आप एंग्लो सैक्सन पीरियड वाला वो वीडियो देखिएगा, ठीक है। अब चूंकि ओल्ड इंग्लिश जो है वो कहाँ से शुरू होता है, एंग्लो सैक्सन पीरियड से, लेकिन अब उसके भी बैकग्राउंड में जाना है समझने के लिए कि ओल्ड इंग्लिश पीरियड का जन्म कैसे हुआ, एंग्लो सैक्सन्स कैसे एमर्ज हुए, कैसे ये सारी चीज़ें आई। तो उसके लिए हमें इसके बहुत पुराने बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, बहुत पीछे बैकग्राउंड में जाना पड़ेगा, तो एकदम शुरू से। तो जब मैं कहूँगा हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, तो इसका मतलब केवल इंग्लिश लिटरेचर की बात मैं नहीं करने जा रहा हूँ, इसके बैकग्राउंड में भी जाऊँगा, जब अंग्रेजी साहित्य था ही नहीं, कैसे धीरे धीरे उसका जन्म हुआ, कैसे चीज़ें विकसित हुई, दैट विल सी, ठीक है। तो हिस्ट्री क्या है, जो पीछे के, देखिए हिस्ट्री जानने के दो तरीके होते हैं, हिस्ट्री के दो तथ्य होते हैं जिसे हम जाने। एक होता है जिसे हम कहते हैं लिटरेरी एविडेंस, साहित्यिक साक्ष्य, और एक होता है आर्कियोलॉजिकल एविडेंस, पुरातात्विक साक्ष्य। या तो जो उस समय किताबें लिखी गई हैं, जो उस समय के डॉक्यूमेंट्स हैं, उनको पढ़कर हम जान जाते हैं कि कैसा समाज था, कैसी व्यवस्थाएं थी, कैसी संस्कृति थी, कैसी आर्थिक व्यवस्था थी, कैसा व्यापार था। या तो फिर हम ये कैसे जानते हैं, जब हम पुरातात्विक कुछ हमें अवशेष मिल जाते हैं। ठीक है, जैसे ज़मीन में गड़ी हुई कोई चीज़ मिल गई, खुदाई के दौरान कुछ चीज़ मिल गई, आर्कियोलॉजिकल जिसे हम कहते हैं। जब आर्कियोलॉजिकल सर्वे होते हैं तो उसमें ये सारी चीज़ें मिलती हैं। लेकिन चूंकि हम हिस्ट्री नहीं देखने जा रहे हैं, हम अंग्रेजी साहित्य का इतिहास देखने जा रहे हैं, इसलिए हमें उस समय के लिटरेरी एविडेंसेस पर ज़्यादा ध्यान देना है। लिटरेरी एविडेंसेस कि बुक्स कब थी, समाज कैसा था, कौन राजा हुआ, किसने क्या परिवर्तन किए, शुरुआत कैसे हुई साहित्य की, ऑल दीज थिंग्स विल सी। ठीक है, बट उन सब चीज़ों तक पहुंचने से पहले हम सबसे पहले देखेंगे क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, पहली चीज देखिए, क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। क्रोनोलॉजी ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, अगर ये आपका तैयार होगा तो सबसे पहले आप ये देखेंगे कि हमें शुरू कहाँ से करना है और अंत कहाँ तक करना है। ठीक है, तो क्रोनोलॉजी का मतलब होता है कालानुक्रम। कालानुक्रम मतलब क्रम से किसी चीज को रख देना, दैट इज क्रोनोलॉजी। समय के क्रम को व्यवस्थित करना, ये है क्रोनोलॉजी, कालानुक्रम। ठीक है, जैसे अगर मैं इतिहास की बात करूं तो मान लीजिए मैं उसमें कहता हूं, सबसे पहले मैं विवरण देता हूं हुमायूं का, उसके बाद अकबर का, उसके बाद जो है शाहजहां का, उसके बाद बाबर का, तो इसका मतलब कि हमारी क्रोनोलॉजी सही नहीं है, उल्टे सीधे हम क्रम में इनको पढ़ रहे हैं। लेकिन अगर हमारी क्रोनोलॉजी सही होगी, अगर हमारा कालानुक्रम सही होगा, हमारी काल व्यवस्था सही होगी, तो सबसे पहले हम बाबर की बात पढ़ेंगे, उसके बाद हुमायूं की पढ़ेंगे क्योंकि बाबर का बेटा था हुमायूं, उसके बाद हम अकबर की बात पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद हम जहांगीर की बात पढ़ेंगे। जैसे जैसे चीजें आगे बढ़ी हैं उसी क्रम में हम चीजों को पढ़ना शुरू करेंगे। क्लियर है? तो इस बात को आप बहुत बखूबी समझ लीजिए, ढंग से समझ लीजिए, अच्छे से समझ लीजिए, खूब अच्छे समझ लीजिए कि कालानुक्रम का मतलब है चीजों को व्यवस्थित तरीके से सही क्रम में रखना। तो सबसे पहले हम ये देख लेते हैं कि किस समय को क्या कहते हैं, किस पीरियड को क्या कहते हैं। और ऐसा हम इसलिए करेंगे क्योंकि अगेन एंड अगेन आई से दैट लिटरेचर इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स सोसाइटी, इट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स टाइम, इट इज ऑलवेज द प्रोडक्ट ऑफ इट्स पीरियड, इट इज द प्रोडक्ट ऑफ द मेंटालिटी एग्जिस्टिंग इन दैट वेरी पीरियड इन विच इट वॉज प्रोड्यूस्ड। लिटरेचर जिस समय प्रोड्यूस किया गया था उस समय जो लोग थे उनकी मेंटालिटी क्या थी, ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस हियर। ठीक है, जैसे कोई पोएट का नाम ले लिया जाता है, किसी एसेइस्ट, किसी नॉवेलिस्ट, ड्रामेटिस्ट का नाम ले लिया जाता है, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि वो किस जमाने का था, किस पीरियड का था और किस विशेष साहित्यिक व्यवस्था में वो पला बढ़ा था। क्योंकि जिस विशेष साहित्यिक व्यवस्था में वो पला बढ़ा होगा उसकी मेंटालिटी वैसी हुई होगी, तो उसका लिटरेचर भी वैसा ही सामने आएगा। तो जैसे मैं कहूँ विलियम वर्ड्सवर्थ, तो सबसे पहले आपके दिमाग में आना चाहिए कि विलियम वर्ड्सवर्थ कब थे। और ये कैसे पता चलेगा, जब उनका आपको जन्म और मृत्यु पता होगी, उनका जो लिटरेरी एग्जिस्टेंस था, लिटरेरी एनर्जी थी, कब उनकी डिस्चार्ज हुई, ऑल दीज थिंग्स विल सी। अब आपको पता चल गया कि वर्ड्सवर्थ 1770 में पैदा हुए, तो 17-18 साल तो भूल ही जाइए क्योंकि उस समय तो लिखेंगे पढ़ेंगे नहीं। उसके बाद वो लिखना पढ़ना शुरू करते हैं, उनका जो लिटरेरी कैरियर होता है वो शुरू होता है। उस समय क्या पीरियड था, जब वो उनका लिटरेरी कैरियर अपने टॉप पर था, तब क्या समय था, कौन सा एज उसे कहा जाता था, किस तरीके की प्रवृत्तियां उस समय डेवलप थी, ऑल दीज थिंग्स आप तब जानेंगे जब आपको ये पता होगा कि किस समय को हम क्या कहते हैं। तो क्रोनोलॉजी सबसे पहले हम देखते हैं और उसको हम थोड़ा सा डिस्कस भी करते हुए चलते हैं। देखिए जैसे जब हम कहते हैं यहां से लेकर यहां तक कोई एक विशेष पीरियड था, इसका नाम ये था, तो जो ईयर आता है, जो डेट आती है, उस दौरान कुछ खास हुआ होगा तभी नाम बदलता है। अगला नाम आया, इसका मतलब उस पर्टिकुलर डेट पर कुछ खास हुआ, तो जो डेट्स दी जाएंगी उन डेट्स पर क्या खास हुआ इसको आप बहुत ध्यान से समझने का प्रयास करिएगा। कुछ खास हुआ होगा और वही जो अध्ययन है वही हमारे अंग्रेजी साहित्य के इतिहास का अध्ययन कहा जाता है। चलिए, तो इसमें जो पहली चीज है देखिए, ठीक है, दूसरी चीज, तीसरी चीज, चौथी चीज और ये पांचवी चीज, ठीक है। अब देखिए यहाँ कालानुक्रम मैं देने जा रहा हूं, याद करिएगा आप लोग। जैसे कहा जाए बिफोर 476 AD, ठीक है, बिफोर 476 AD, AD मीन्स एनो डोमिनी, इट इज नॉट इंग्लिश, इट्स लैटिन, ठीक है, एनो डोमिनी, सेंट डोमिनिक्स के नाम पर यह है। तो इस समय को 476 ईस्वी से पहले का जो भी समय रहा हो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम कहते हैं क्लासिकल एज। इसे एक एज और कहते हैं, इसे हम कहते हैं एंशियंट एज, मतलब प्राचीन काल। बट यू आर नॉट गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ एशिया और हिस्ट्री ऑफ इंडिया, यू आर गोइंग थ्रू द हिस्ट्री ऑफ यूरोप। यूरोप के इतिहास को आप देख रहे हैं। ध्यान रहे कि एट द वेरी बिगिनिंग देयर वर टू सिविलाइजेशंस which were the best civilizations considered, and these civilizations were Greek and Roman civilizations. सबसे पहले यूरोप में अगर दो सभ्यताएं विकसित हुई तो ये दो सभ्यताएं कौन सी थी? ये दो सभ्यताएं थी यूनानी सभ्यता और रोमन सभ्यता। इस before 476 AD we'll study only Greek and Roman civilizations and how Greek and Roman civilizations influenced English civilizations, how the flow of Romans took place towards England and how England's name came to be coined, how Britain became Britain. All these things you can have through my video that I have already delivered, that is on Anglo-Saxon period and the existence of Anglo-Saxons and how Britain became Britain and how England became England. You'll come to know all through that video. Okay. So classical age or ancient age both are same in the perspective of European history, and especially when we'll see regarding literature it is classical age, and when we'll see regarding history it is ancient age. ठीक है, तो history is basically divided into three parts, you know, as that first one is ancient age, second one is medieval age, that is middle ages, and third is modern age. Okay, so the very first thing that I told you and you came to know is before 476 AD that period is called classical age, और इसी एज में आपको अरिस्टोटल, प्लेटो, सोक्रेटिस, अरिस्टोफनीज, सोफोकलीज, सेनेका, लॉन्जिनस एंड ऑल दीज राइटर्स यू फाइंड इन दिस एज। अब आप कहेंगे कि उस दौरान जब अंग्रेजी थी नहीं तो इन सब का क्या काम है? नो, दे एक्चुअली इन्फ्लुएंस्ड इंग्लिश लिटरेचर। इन लोगों ने पूरी तरीके से इंग्लिश लिटरेचर को इन्फ्लुएंस किया, एंड फॉर दैट वी हैव टू गो इनटू द बैकग्राउंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, एंड इन बैकग्राउंड वी फाइंड दीज नेम्स दैट आई रिसाइटेड। द 476 एडी दैट इज नोन एज क्लासिकल एज और एंशियंट एज। देखिए, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिक, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय क्लासिकल, क्लासिक व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय? क्लासिक सिंपली मीन्स मॉडल दैट इज फॉलोड, दैट इज टू बी फॉलोड। ऐसी चीजें जिसको बाद में हम फॉलो करें, जिनको हम बाद में फॉलो करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? क्लासिक। जैसे आप किसी दुकान पर जाते हैं तो कुछ आइटम्स डिस्प्ले किए गए होते हैं, ऑलरेडी डिस्प्लेड होते हैं वो वहां, ठीक है, और कुछ उनके गोडाउन में रखे गए होते हैं, अंदर रखे गए होते हैं। तो जो डिस्प्ले किए गए होते हैं, जो सामने लगे हुए होते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं? सैंपल, दैट इज मॉडल, दैट इज क्लासिक, मतलब बेहतरीन से बेहतरीन जो होगा दैट इज डिस्प्लेड, उसे हम डिस्प्ले करते हैं। तो ये क्लासिकल का मतलब होता है बाउंड इन रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो दिस पीरियड, ध्यान रहे आपको पहला पीरियड आया 476, उधर का समय निर्धारित नहीं है कि कब से कब तक, दैट टाइम हैज नॉट बीन स्पेसिफाइड, उसे हम स्पेसिफाई नहीं किए हैं। देखिए यहाँ एक पल के लिए मैं रुकता हूं और मैं आपको समझाता हूं कि दो शब्द हैं, ट्राई टू अंडरस्टैंड दोस टू वर्ड्स। एक होता है जिसे हम कहते हैं प्री हिस्टोरिक पीरियड, प्री हिस्टोरिक पीरियड, और एक होता है हिस्टोरिक पीरियड। हिस्टोरिक पीरियड जिसे दूसरे शब्दों में हम कहें तो प्री हिस्टोरिक पीरियड इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री, और अगर इसको कहें तो इसको हम कहेंगे हिस्ट्री। हिंदी में कहें तो प्री हिस्ट्री इज कॉल्ड प्रागैतिहास एंड हिस्ट्री इज कॉल्ड इतिहास। जब हमारे पास भूतकाल में घटित किसी भी घटना का साक्ष्य नहीं होता है, प्रामाणिक साक्ष्य नहीं होता है, ऑथेंटिक एविडेंसेस नहीं होते हैं, देन दैट इज कॉल्ड प्री हिस्ट्री, उसे हम क्या कहते हैं? प्री हिस्ट्री कहते हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ माइथोलॉजी, वो एक तरीके की माइथोलॉजी होती है, उसी को हम पुराण कहते हैं। जैसे कि महाभारत की घटनाएं, रामायण की घटनाएं या उस काल की सारी घटनाएं केवल कपोल कल्पित मानी जा सकती हैं या हमारे विश्वास पर आधारित हैं, उसका हमारे पास कोई साक्ष्य नहीं है। Neither we have literary evidence, nor we have archaeological evidence. That is why that is based on our faith and belief, and hence prehistory or mythology. तो पीछे जब हमने कहा before 476 AD, तो उसके पीछे प्रागैतिहास तक आप चले जाइए, you must go to mythology, mythology तक चले जाइए, that is prehistory, ठीक है? कहाँ तक? Nobody knows, पीछे कहीं भी, क्योंकि इस दुनिया में साहित्य का जो जन्म होता है वो प्रागैतिहास से ही होता है। जब हमारे पास कुछ नहीं था, व्हेन वी हैड नथिंग, जब हमारे पास कुछ भी नहीं था तो वी डिड हैव ओनली प्री हिस्ट्री, मीन्स द थिंग्स बेस्ड ऑन इमेजिनेशन, द थिंग्स बेस्ड ऑन आवर माइथोलॉजी, द थिंग्स बेस्ड ऑन आवर प्री हिस्ट्री, बिकॉज वी क्रिएटेड समथिंग इन ऑर्डर टू सर्वाइव। जब आपके पास कुछ नहीं होता है तब आप सर्वाइव करने के लिए कुछ क्रिएट करते हैं, क्रिएट करना पड़ता है आपको। तो जब हमने कहा बिफोर 476 तो आप समझ जाइए कि उसके पहले कुछ भी, मतलब दैट इज इनफाइनाइट, उसकी कोई सीमा नहीं है, दैट इज लिमिटलेस, ठीक है? और हिस्ट्री की बात करते हैं तो हिस्ट्री से हमें साक्ष्य मिलना शुरू हो जाता है, व्हेन वी हैव लिटरेरी एंड आर्कियोलॉजिकल ऑथेंटिक एविडेंसेस देन वी कॉल इट हिस्ट्री। हमारे पास सबूत है उसका, महात्मा गांधी थे, हमारे पास सबूत है उसका, इंडिया गॉट फ्रीडम 1947, वी हैव एविडेंस ऑफ दैट, हमारे पास उसका साक्ष्य है, एंड दैट इज व्हाई दिस इज अ पार्ट ऑफ हिस्ट्री, ठीक है? तो इन दोनों शब्दों को आप समझ लिए होंगे, तो यहां मैं लिख देता हूं विदाउट एनी evidence, with authentic evidence, ये अंतर है दोनों में। अब हम वहीं चलते हैं फिर जहां हम थे पीछे, ठीक है? अब 476 के बाद क्या आता है, यहां देखिए आप, इसको अभी मिटा ही देते हैं, डुब देते हैं, क्योंकि चीजें थोड़ा सा बदलती हैं तो बताने में दिक्कत हो जाएगी, ठीक है? ओके, दूसरा अब देखिए 476 AD, इधर वाली डेट हमेशा इधर आएगी, क्यों? क्योंकि ये यहाँ समाप्त हुआ है तो यहीं से कोई दूसरा शुरू हुआ है, तो एक डेट हमेशा आपकी कॉमन रहेगी, AD 2। अगली डेट है 10 ज्यादा अच्छा होगा एक साथ शामिल कर लेते हैं। ये देखिए आप, सीधा 1453 AD, right from 476 AD to 1453 AD, this period is called Middle Ages. You must not write it in singular, Middle Ages, मध्यकालीन युग था ये। अब देखिए this Middle Age is subdivided into two parts, इसको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं, जिसमें पहला पार्ट जो होता है इसको हम कहते हैं 476 AD to 1066 AD. This period is called First phase of Middle Age. First phase of Middle Ages. First phase of Middle Ages. This is also called Anglo-Saxon period. ध्यान से देखिए, this is also called Anglo-Saxon period. Sometimes it is also called Dark Age. Sometimes it is also called Old English period. So these are the names you can call with. ये वे नाम है जिनसे आप पुकार सकते हैं किसको, 476 AD 1066 AD के बीच के पीरियड को। अब इसी को अगर हम दूसरे हिस्से की बात करें, ये इसी का सब डिवीजन चल रहा है, इसी का उप बंटवारा चल रहा है। 1066 AD to 1453 AD, this is second phase. Of Middle Ages, ये सेकेंड फेज ऑफ मिडिल एजेस है, इसको अलग कर देते हैं, सेकेंड फेज ऑफ मिडिल एजेस। नाउ अब आप ध्यान दीजिएगा, महत्वपूर्ण तथ्य हैं। 476 में इन 476 AD कोई घटना घटी होगी, क्या घटी थी? आई जस्ट गिव यू द इंफॉर्मेशन ऑफ इन अ वेरी नट सेल, बहुत छोटे में मैं आपको उसकी इंफॉर्मेशन दे देता हूं। तो क्या घटी थी 476 ईस्वी में? देयर वाज अ सिटी इन रोम एंड इट्स नेम वाज कॉन्स्टेंटिनोपल। इट वाज डिस्ट्रॉयड, इट वाज बर्न बाय सम अननोन पीपल हु केम फ्रॉम नॉर्दर्न ईस्टर्न एरिया एंड अल्टीमेटली आफ्टरवर्ड दे केम टू बी नोन एज टर्क्स। और यहाँ एक शहर था कुस्तुनतुनिया जिसे ढहा दिया गया था, और इस ढहने के साथ ही वहाँ जो इंटेलेक्चुअल एंड आर्टिस्टिक एक्टिविटीज़ थी वो पूरी तरीके से बंद हो गई, क्योंकि उस समय जो निर्दयी लोग थे वो आए और यहाँ के इंटेलेक्चुअल्स को मौत के घाट उतार दिया, और जितनी भी अच्छी गतिविधियाँ थी सब पर उन्होंने रोक लगा दिया, और सब लिखना पढ़ना, कोई भी आर्टिस्टिक क्रिएशन, आर्टिस्टिक एक्टिविटी, लिटरेरी एक्टिविटी केम टू बी स्टॉप्ड, सब रोक दी गई। और यहाँ से एक नए युग की शुरुआत हुई, और कई सालों तक लोगों ने कुछ लिखा पढ़ा नहीं ठीक से, और लिखा पढ़ा भी तो उसकी सूचना बहुत बाद में आई लोगों के पास, एंड दैट इज वाई दिस पीरियड इज नोन एज डार्क एज टू, इसे डार्क एज भी कहते हैं। 476 से 1066 तक, 1066 में ऐसा क्या हुआ? 1066 एक ऐसा ईयर था इन विच नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट टुक प्लेस। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट मतलब एक बहुत बड़ा सा युद्ध हुआ जिसे हम बैटल ऑफ हेस्टिंग्स कहते हैं। बैटल ऑफ हेस्टिंग्स टुक प्लेस इन 1066 एंड दिस ईयर केम टू बी नोन एज द ईयर ऑफ नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट। नॉर्मन्स के ऊपर ये व्यवस्था है, जब विलियम द एम्परर, जब विलियम द कंकरर जो फर्स्ट विलियम कहलाया, वो यहाँ युद्ध में हिस्सा लिया, और बैटल ऑफ हेस्टिंग्स के कारण 1066 का जो ईयर था वो बहुत पॉपुलर हो गया। तो यहाँ से फिर से एक बार लोग फ्री हुए एंड दे स्टार्टेड राइटिंग, इन लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया, एक बार फिर से लोगों ने लिखना पढ़ना शुरू किया। ठीक है, इज दैट क्लियर? ओके, नाउ 1453 में क्या हुआ? 1453 में भी कोई घटना घटी। जो 476 में घटना घटी थी वही घटना 1453 में फिर से घटी। नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट 1066 में आया, लेकिन उसके बाद एक बड़ी घटना जो घटी वो 1453 में घटी। क्या हुआ कि रीफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल आया, कुस्तुनतुनिया फिर से ढह गई, कुस्तुनतुनिया फिर से समाप्त हो गई। आप समझ सकते हैं कि कुस्तुनतुनिया के साथ क्या हुआ होगा। दिस टाइम इट वॉज अटैक्ड बाई टर्क्स, इस बार ये पूरी तरीके से टर्क्स के द्वारा अटैक किया गया था। ओके, बार बार फोन आ रहा था इसलिए फोन को स्विच ऑफ करना पड़ा मुझे, ठीक है। तो 1453 में रीफॉल ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल टुक प्लेस बाय टर्क्स। टर्क्स अटैक्ड एंड दे डिस्ट्रॉयड कॉन्स्टेंटिनोपल फुल्ली दिस टाइम। ओके नाउ, तो अब तीसरा, पहला था 476 एडी से पहले क्लासिकल एज, दूसरा था 476 एडी टू 1453 एडी दैट इज मिडिल एजेस, और तीसरा अगर इतिहास के तौर पर हम बांटें तो आ जाएगा 1453 एडी टू ऑनवर्ड। ऑनवर्ड मतलब आज तक, ऐसे समझ लीजिए आप। इसे हम क्या कहेंगे? मॉडर्न एज। देखिए, इतिहास के मॉडर्न एज की, इतिहास के आधुनिक काल की शुरुआत रेनेसा के साथ होती है, रेनेसा के साथ होती है इतिहास के आधुनिक युग की शुरुआत। अगर हम इतिहास को तीन हिस्सों में बांटते हैं तो कि प्राचीन काल, मध्यकाल और आधुनिक काल, तो प्राचीन काल को हम कहेंगे 476 ईस्वी से पहले, मध्यकाल को कहेंगे 476 से 1453 तक, और आधुनिक काल को हम कहेंगे 1453 के बाद आज तक। लेकिन हम चूंकि लिटरेरी हिस्ट्री पढ़ रहे हैं, हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर पढ़ रहे हैं, तो हमें उसके हिसाब से विभाजन करना चाहिए। तो इसको अगर हम डिवाइड करेंगे तो ऐसे करेंगे, सब डिवाइड हो रहा है, ध्यान रहे आपको। तो यहां देखिए आप 1453 एडी टू 1660 1660 AD. This period you can call Renaissance. सब डिवीजन को ध्यान देखिएगा, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा, क्योंकि जितनी बुक्स हैं उतने तरीके से डिवाइड किया गया है चीजों, जितनी बुक्स हैं उतने तरीके से डिवीजन दिए गए हैं, इसलिए ध्यान से देखिएगा नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। मतलब एज a whole this period is known as the period of Renaissance. यहाँ एक नोट करके देख लीजिए तो आपको शायद पता चल जाए। Who is known as the morning star of Renaissance? ये इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आ सकता है, आया भी है। Morning star of Renaissance. कौन साहित्यिक पटल पर आया जब कहा गया कि अब रेनेसा आ जाएगा? कुछ तो ऐसा हुआ जिसके आने के बाद ऐसा लगा कि अब रेनेसा आ जाएगा। तो वो थे जॉफरी चौसर। कौन थे? फादर ऑफ इंग्लिश पोएट्री भी कहे जाते हैं ये, और साथ ही साथ ही इज नोन एज द मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा। और दूसरा, इससे पता चलता है कि कब शुरू हुआ रेनेसा, या शुरू, देखिए इनका जो जन्म था वो 1340 में हुआ और इनकी जो मौत थी वो 1400 में हुई। चूंकि ये टाइम का डिवीजन है इसलिए एग्जैक्ट डिमार्केशन कैन नॉट बी क्रिएटेड। तो ऐसा माना जाता है कि जब चौसर वॉज लिटरेरली स्ट्रांग, जब साहित्यिक रूप से ये सामर्थ थे, तो उसी समय लगभग रेनेसा की शुरुआत हुई। भोर का तारा थे ये, भोर का तारा मतलब अब सुबह होने वाली है, तो रेनेसा की सुबह आने वाली थी इनके पैदा होते ही। तो अगर आपसे कोई पूछता है व्हेन रेनेसा बिगेन इन यूरोप, सिंपली यू हैव टू से दैट रेनेसा बिगेन इन यूरोप समवेयर इन 14th सेंचुरी। कहीं 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ। लेकिन अगर हम कहें कि रेनेसा को रफ्तार कब मिल गई, रेनेसा एग्जैक्टली कब माना जा सकता है कि हाँ शुरू हुआ, तो आपको कहना है कि रियल रेनेसा बिगेन इन 1453 व्हेन Turks attacked Constantinople and destroyed it, and a drift of intellectuals took place from Constantinople to Italy, and all the intellectuals took shelter in Italy, and they started writing, and they started all sorts of creativity in Italy, and hence Renaissance began in Italy. इसलिए Renaissance Italy में शुरू हुआ। कब? 1453 ईस्वी में। लेकिन उसकी शुरुआत छोटे मोटे पैमाने पर चौसर के समय में ही हो चुकी थी, इसीलिए इनको मॉर्निंग स्टार ऑफ रेनेसा कहा जाता है। इससे आपको पता चलेगा कहां से रेनेसा शुरू हुआ। और जब हम कह देंगे यूनिंग स्टार ऑफ रेनेसा, तो आपको पता चल जाएगा कि रेनेसा का समापन कब हुआ, रेनेसा की शाम कब आ गई। यूनिंग स्टार ऑफ रेनेसा, ये हैं जॉन मिल्टन। जॉन मिल्टन इज नोन एज द इवनिंग स्टार ऑफ रेनेसा। और जॉन मिल्टन कब जन्म हुआ इनका? इनका जन्म हुआ 1608 एंड ही डाइड इन 1674। आप देख सकते हैं कि यहीं के करीब करीब कहीं रेनेसा की जो सेंसिबिलिटीज थी, रेनेसा के जो विचार थे, रेनेसा का जो कॉन्सेप्ट था वो समाप्त होने लगा। ठीक है, तो ये सारी बातें मैंने आपको बताई। ठीक है, ओके। अब इसको हम सब डिवाइड करेंगे। इसमें कई पीरियड आते हैं, जैसे कि पहला पीरियड आता है 1558 एडी टू 1603 AD. This period is known as Elizabethan Age. Elizabethan Age, that is basically known for drama, and William Shakespeare was active in this period. हुआ क्या कि क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट, ये एलिजाबेथ फर्स्ट हैं, ध्यान रहे Elizabeth I. Queen Elizabeth I ascended the throne of England in 1558 and she died in 1603. तो ये 45 साल इंग्लैंड पर शासन की, और जब इन्होंने शासन किया तो उन्हीं के शासन का जो समय था उसे हम एलिजाबेथन पीरियड कहते हैं। तो शेक्सपियर इसी दौरान एक्टिव थे, 1564 में वो पैदा हुए। अगर आपसे कोई पूछता है कि शेक्सपियर बिलोंग्स टू, तो आप कहेंगे कि मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ हिज लाइफ बिलोंग टू एलिजाबेथन पीरियड, एंड जो लास्ट पार्ट था दैट वाज फ्रॉम जेम्स पीरियड, एंड दैट इज नोन एज जैकोबियन पीरियड। ठीक है, तो एक क्वीन एलिजाबेथ फर्स्ट के नाम पर ये पड़ा है। ये आप देख सकते हैं, दिस पीरियड फॉल्स इन बिटवीन 1453 एंड 1660। नेक्स्ट कम्स 1603 एडी टू 1625 AD. This period is known as Jacobean period. Period, age, era, ये सब एक ही है। Jacobean period. James फर्स्ट से belong करता है। कौन? James फर्स्ट। ठीक है, इनके समय में एक महत्वपूर्ण घटना घटी थी, दैट यू मस्ट नो दैट इन 1611 ऑफिशियली बाइबल केम टू बी ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश अंडर द सुपरविजन ऑफ जेम्स फर्स्ट। जेम्स फर्स्ट के सुपरविजन में पहली बार ऑफिशियली बाइबल को ट्रांसलेट किया गया इंग्लिश में। थर्ड कम्स 1625 एडी टू 1649 AD. This period is known as Caroline period. The term Caroline has been derived from the term Carolus, which means Charles. This was reigned by चार्ल्स I। इस समय इंग्लैंड के जो शासक थे, इंग्लैंड के जो मोनार्क थे, हिज नेम वॉज चार्ल्स I। कुछ घटनाएं घटी होंगी दैट विल डिस्कस विद द पैसेज ऑफ टाइम, उसको हम पैसेज ऑफ टाइम के साथ डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट कम्स डी 1649 AD टू 1660 AD। This is known as Commonwealth period. This is also known as period of interregnum. This has already been asked in the exam of NET. ये period of interregnum क्या है? तो Commonwealth period तो सभी जानते हैं, लेकिन period of interregnum में समस्या हो जाती है, तो आप जान लीजिए वही है, कुछ बदला नहीं है। पीरियड ऑफ इंटररेग्नम, दिस पीरियड इज नोन एज पीरियड ऑफ इंटररेग्नम। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा कि 1453 से 1558 के पीरियड को क्या कहते हैं। दैट वाज प्योर रेनेसा पीरियड, वो एक प्योर रेनेसा पीरियड था। और हर पीरियड का कुछ नाम हो ये जरूरी नहीं है, ये जरूरी कतई नहीं है कि हर पीरियड का कुछ नाम हो ही। यहाँ गद्दी पर बैठी, यहाँ गद्दी से उतर गई, इसलिए एलिजाबेथन पीरियड, मतलब इनकी डेथ हो गई। 1603 में जेम्स I राजा बना एंड 1625 में उसकी डेथ हो गई, इसलिए जैकोबियन पीरियड। 1625 में चार्ल्स I बिकेम द किंग एंड इन 1649 ही वॉज बीहेडेड, उनकी हत्या कर दी गई थी, क्योंकि वो बहुत लग्जूरियस सॉर्ट ऑफ किंग ही वॉज, जनता के खिलाफ हमेशा रहते थे, अनैतिक बातें करते थे, जनता ने विद्रोह किया एंड अल्टीमेटली केम टू बी बीहेडेड, केम टू बी एग्जीक्यूटेड। उनका गला काट दिया गया, उनका सर धड़ से अलग कर दिया गया एंड दैट इज व्हाई दिस पीरियड इज नोन एज चार्ल्स I पीरियड, दैट इज कैरोलाइन पीरियड। एंड 1649 राइट फ्रॉम हियर देयर वाज नो मोनार्क इन इंग्लैंड, इंग्लैंड में कोई मोनार्क नहीं था, और इस पीरियड को हम पीरियड ऑफ इंटररेग्नम कहते हैं। इंटररेग्नम का मतलब है कि ये मध्य ऐसा समय आ गया जब अंतर आ गया, मतलब कि बिना राजा का ये समय था। तो 1649 तक तो राजा थे, इसके बाद 1660 में राजा हुए, तो जो 11 साल का समय था वो पीरियड ऑफ इंटररेग्नम कहा जाता है, खाली पीरियड था वो। और उस दौरान सिविल जो वार था वो दैट वाज गोइंग ऑन। ओके डी, तो कुल मिला के ये व्यवस्था थी। सिविल वॉर इन इंग्लैंड एक्चुअली बिगैन इन 1642 and it lasted till 1649 and it ended with the execution of Charles I. okay, now ab agla a tha, ab b, isko hum a na keh karke agar 1 keh dein to that would be good। that would be, isko hum 1 keh, छोटा वाला 1 रोमन, ठीक है। तो हम दूसरे पर चलते हैं। दूसरा, ठीक है, वो भी सही नहीं रहेगा, ये वाला, क्योंकि ये सब डिवीजन चल रहा है, ठीक है। दिस इज सब डिवीजन। ध्यान रहे, मैंने पहले इतिहास को 3 हिस्सों में बांटा, इतिहास को एंशिएंट एज, मिडिल एजेस एंड मॉडर्न एजेस, फिर उसके सब डिविजन हमने आपको दिए हैं। तो इसमें मॉडर्न एज के सब डिविजन चल रहे हैं। मॉडर्न एज को मैंने दूसरे हिस्से में बांटा, जैसे मैंने सबसे पहले रेनेसा पीरियड बताया, रेनेसा पीरियड का भी सब डिविजन किया, सेकंड सब डिविजन। अब रेनेसा के बाद क्या आता है वो देखिए आप। 1660 AD टू 1798 AD, this period is known as neoclassical period। This is also known as pseudo classical age। pseudo classical age, ठीक है। झूठा, सूडो मीन्स झूठा, फाल्स, ठीक है। दिस एज इज नोन एज द एज ऑफ ड्राई इंटेलेक्चुअलिटी बौद्धिकता यहाँ पराकाष्ठा पर थी। जब इसको हम सब डिवाइड करते हैं तो फिर हमें इसमें कई हिस्से मिलते हैं, जैसे 1660 एडी टू 1700 एडी, दिस इज नोन एज रिस्टोरेशन पीरियड। रिस्टोरेशन पीरियड, वाई? बिकॉज मोनार्की वॉज रिस्टोर्ड हियर, यहाँ मोनार्की को रिस्टोर किया गया। चार्ल्स सेकेंड हियर केम टू बी कोरोनेटेड, चार्ल्स सेकेंड को कोरोनेट किया गया। एंड बी कम्स 1700 AD to 1745 AD. This is known as Augustan period. Augustan period, because this age was imitating the King Augustus and his arrangement. यहाँ जो समय था वो पोप का था, तो Alexander Pope was influencing things. Alexander Pope का समय था ये। और तीसरा जो आता है वो आता है 1745 AD to 1798 AD, that is known as transitional period. Transitional period या इसी का दूसरा नाम था एज ऑफ सेंसिबिलिटी। ये संक्रमण काल था, ये संक्रमण काल था, एज ऑफ सेंसिबिलिटी। इस समय चीजें नियो क्लासिकल एज से निकलकर रोमांटिक एज की तरफ जा रही थी। कुछ लोगों का मानना है 1789 में ही न्यू क्लासिकल एज समाप्त हो जाता है, एंड राइट फ्रॉम 1789 विद द फ्रेंच रेवोल्यूशन बिगिंस रोमांटिक एज। लेकिन आप 1798 तक मान के चलेंगे क्योंकि वहां दूसरी घटनाएं घटी थी। तो ये रेनेसा, ये मॉडर्न एज का दूसरा क्लासिफिकेशन था। अब तीसरा आता है इसके बाद। तीसरा, और तीसरा जो है वो आता है, इसे हम कहते हैं 1798 एडी टू 1832। कुछ लोग इसको 1837 भी मानते हैं, ठीक है। एक्चुअली हम 1837 भी लिख देते हैं क्योंकि इन 1837 क्वीन विक्टोरिया असेंडेड द थ्रोन। Why it is supposed till 1832? Because in 1832 a reform bill was brought. जब हम इसको डिटेल्स में पढ़ेंगे तब हम जानेंगे। दिस पीरियड इज नोन एज रोमांटिक एज। ये पोइट्री के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण पीरियड था जिसे हम रोमांटिक एज कहते हैं, वर्ड्सवर्थ, कीट्स इत्यादि इत्यादि का। चौथा जो हमारा क्लासिफिकेशन आता है वो आता है 1832 या 1837 टू, यहाँ 80 to 1901, in which in this very year Queen Victoria died. This is known as Victorian period, Victorian age. ये Victorian age है, ठीक है। ये Victorian age है। And right from 1901 AD to 1930s, कुछ लोग मानते हैं 1930s तक, कुछ लोग मानते हैं 1945 तक, कुछ लोग मानते हैं 1969 तक। This age is known as modern age. मानने के ऊपर है, जैसे इकोनॉमिक डिप्रेशन 1930s में आया, इसी समय थियरी ऑफ रिलेटिविटी आई आइंस्टाइन की, तो कुछ लोग मानते हैं यहीं से एक उत्तर मध्यकाल शुरू हो जाता है। कुछ लोग मानते हैं नहीं, 1945 में जब वर्ल्ड वॉर सेकेंड का अंत हुआ तब से चीज़ें बदली, तो 1945 के बाद से उत्तर मध्यकाल मानते हैं। लेकिन कुछ लोग 1969 जब नील आर्मस्ट्रॉन्ग 21 जुलाई को पहली बार चंद्रमा पर कदम रखा, तो कुछ लोगों का तब से मानना है, तो मानने के ऊपर है। तो ये मॉडर्न एज माना जाता है। लेकिन अगर हम बात करें कि उत्तर मध्यकाल कब रहा, कुछ लोग यहाँ से मानते हैं, जो जहाँ से मानते हैं उस हिसाब से। जैसे 1930 से मानते हैं वो उनके लिए, 1945 से जो मानते हैं उनके लिए, 1969 से जो मानते हैं उनके लिए, ठीक है। यहां से शुरुआत हुई और ये अनवर्ड अनवर्ड, ठीक है। दिस पीरियड इज नोन एज पोस्ट मॉडर्न एज। उत्तर मध्यकाल जब सारी चीजें अल्ट्रा मॉडर्न हो गई, एक्स्ट्रा मॉडर्न हो गई, ठीक है। सो दिस पीरियड, so this was the chronology of the history of English literature. This was the chronology of English literature, and one after one we'll start our study right from the period ancient, right from the period classical age, that was before 476 AD. शुरुआत से एकदम हम पढ़ना शुरू करेंगे। पढ़ना तो हम प्लेटो से नॉर्मली शुरू करते हैं, प्लेटो अरिस्टोटल से, लेकिन प्लेटो अरिस्टोटल को पढ़ेंगे तो उनके गुरु के बारे में, सोक्रेटिस के बारे में पढ़ना पड़ेगा, उधर सोफोक्लीज, ज्यूरोपीडेस और सिनेका के बारे में पढ़ना पड़ेगा, एरिस्टोफनीज के बारे में पढ़ना पड़ेगा। ऑल दीज थिंग्स विल डिस्कस, इन सब चीज़ों को हम पढ़ेंगे। और कल से रेगुलर क्लासेस, हमारे रेगुलर वीडियोज शुरू तो आज ही से हो गई हैं। कल सबसे पहला इतिहास में जो सबसे पहली चीज़ बताई गई, दैट विल डिस्कस। दिस मच फॉर टुडे, थैंक यू।